घाघरा प्रखंड मुख्यालय स्थित बैंक ऑफ इंडिया में सोमवार को पैसे निकालने और बैंक के कामों में आए लोगों को बैंक की लचर व्यवस्था के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। इस निमित्त सैकड़ों की संख्या में लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जी उड़ाते दिखे। इस ओर ना तो बैंक के अधिकारियों की नजर गई, ना ही प्रखंड के अधिकारियों की। लोग पैसा निकालने के लिए प्रातः 8 बजे से लाइन में खड़े थे। वहीं बैंक की लचर स्थिति के कारण लोगों को कई दिनों से बैंक का चक्कर लगाना पड़ रहा है। 5 दिन से बैंक आवर क्या करें, निकासी और दरवाजा जाता है और बंद हो जाता है, पहुंची ला लेकिन बंद है। बोल, 4 दिन से बैंक आवा था, मोर छवा बीमार रहे, दवाई लन लू गए के पार पे निकालो निकाल का हो नेत्रा दर बीमार रहे 2 महीना से हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल में, तो दवाई थी और लन लू गए के कहा था तो बंद हो जाए ले दवाई बैंक के निकासी कर नहीं पा रहे। 22 से हमारा सिस्टम अपग्रेडेशन हो चुका है, इस चलते थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है, धीरे धीरे पेमेंट हो रहा है। जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनको पेमेंट धीरे धीरे करते जा रहे हैं, ठीक है। वैकल्पिक व्यवस्था का इस्तेमाल करें सभी ग्राहक, जिसमें कि बीसी से पैसा निकालें या एटीएम के माध्यम से पैसा निकालें, ठीक है। बैंक में थोड़ा धीरे धीरे काम हो रहा है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है और आगे भी होगा सुधार, तो फिर ज्यादा फास्ट काम होगा। धन्यवाद है, उसका सभी कोई पालन करें, हमारी तरफ से बोला जा रहा है सब दूरी बना के रखें और मास्क पहन के ही ब्रांच में आए। लेकिन लगातार क्या किया जाएगा बैंक के द्वारा, क्या किया जाएगा? देखिए, भीड़ तो जमा होता ही है, ठीक है। हम लोग जितना कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का पेमेंट हो जाए और समाधान हो जाए, ठीक है। और लोगों से आग्रह है कि वैकल्पिक व्यवस्था का इस्तेमाल ज्यादा करें ताकि यहाँ पर भीड़ ज्यादा जमा न हो। खुद को सट के खड़ा हो, जो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, इस पर आप क्या बोलेंगे? हमारे बैंक तरफ से भी और थाने तरफ से भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर बोलने के लिए कि सब कुछ दूरी बनाकर रहने के लिए, लोगों का कोई सुनते नहीं है बात, ठीक है। इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? अब आग्रह ही कर सकते हैं सर, क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई प्रशासन करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।